आजादी के बारे में मेरा विचार यह है कि आजादी वो होती है जिसमें अंतिम व्यक्ति को, देश के अंतिम व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी हो, उसे इस देश में कौन कौन से अधिकार मिले हैं, उसे इस देश के प्रति उसका दायित्व क्या है, देश ने उसे क्या दिया और वो देश को क्या दे। जब तक किसी व्यक्ति को इस चीज की जानकारी नहीं होगी तब तक वो देश या वो व्यक्ति आजाद नहीं कहलाएगा। आजादी एक व्यक्ति के ऊपर आश्रित परिवार को पालने की जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को पूरे करने का जो एक रोड मैप होता है वो, और उस रोड मैप को प्राप्त करने का तरीका, ये एक आज़ादी होती है। आज़ादी बहुत तरीकों से पाई जा सकती है, विचारों से आज़ादी, बेरोजगारी से आज़ादी, महंगाई से आज़ादी, मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने की आज़ादी, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम आज़ादी की परिभाषा कह सकते हैं। आज़ादी के मायने को किसी चंद शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते कि आज़ादी के मायने क्या हैं। आज़ादी के बहुत से मायने हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि देश के अंतिम व्यक्ति को, पिछड़े या अति पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति को, जब तक उसे प्राप्त देश के प्राप्त, देश से प्राप्त, संविधान से प्राप्त अधिकारों की जानकारी ना हो तब तक वो व्यक्ति आज़ाद नहीं है, और तब तक हम इस देश को पूरी तरीके से आज़ाद नहीं कह सकते हैं।